अस्सलाम वालेकुम मेरे YouTube के प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है। आज फ्राइडे है और न्यू मंथ भी स्टार्ट हो चुका है, यानी कि मंथ ऑफ जुलाई स्टार्ट हो चुका है और उसका पहला दिन ही फ्राइडे का दिन है, बाबरकत दिन है। तो आज मेरी हेल्पर भी नहीं आई क्योंकि फ्राइडे को वो छुट्टी करती है, तो फिर मुझे ही कमरे की डस्टिंग, सफाई, झाड़ू पोछा और बर्तन और सारे काम सिर्फ मुझे ही करने पड़ते हैं। तो अभी मैं किचन से भी फारिग होकर आ चुकी हूँ, किचन में बर्तन वगैरह वॉश किए हैं, अब मैं कमरा समेट रही हूँ, चादर वगैरह तो झाड़ ली, अभी डस्टिंग भी नहीं की कमरे की। और यहाँ पर धूल मिट्टी इतनी ज्यादा होती है ना गर डाल हवा हो जाती है मुल्तान में, तो हर चीज पे ना सुबह अगर डस्टिंग करते हैं तो शाम तक जो है ना वापिस डस्ट आ जाती है, इतनी ज्यादा है ना। मोंटी का मुतबकी मेडिसन है ना ये, खांसी वगैरह जब बहुत करता है तो फिर इसको इसका साशे पानी में डाल के आप पिलाते हैं उसको। अच्छा, ये बच्चों की बहुत सेफ मेडिसन है ना, बच्चों को बजाय इसके कि कोई एंटीबायोटिक तो नहीं है ना? नहीं। हाँ, एंटीबायोटिक मेडिसन तो बच्चों को वैसे नुकसान करती है। ये इसको ना बंद करना चाह रही हूँ, ये बच्चे जो है ना कूदते रहते हैं तकियों पे और ये सारी इसकी ना रुई टूट रही है, इसके ऊपर ना कोई कवर लगा दूंगी। सारी बेटे एक ना पिलो कवर लेकर आए, अभी एक और पिलो भी है जो इसी तरह खराब हुआ हुआ है, उसको भी सेट कर दूंगी। तो व्यूअर्स, मैंने पिछली जब ईद आ रही थी तो ईद से पहले ईद की तैयारियां की थी, मैंने उसकी काफ़ी वीडियोस अपलोड की थी, तो मैं आपके साथ इन वीडियोस का जो लिंक है वो शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप भी देखिएगा कि ईद आने से पहले हम क्या क्या तैयारियां कर लें तो हमारे लिए ईद वाले दिन बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि ईद वाले दिन ये बड़ी ईद है और ईद उल अज़हा है और इसमें हमने कुर्बानी वगैरह करनी होती है और कुकिंग का काम भी बेशुमार होता है, कुर्बानी का काम बेशुमार होता है संभालने वाला। तो फिर अगर हमारे काफ़ी ज़्यादा काम पहले से डन हुए हुए होते हैं तो हमें बहुत सहूलत हो जाती है। तो ये बातों ही बातों में एक तकिया तो डन हो गया है, मेरी बीवी भी तुम ही हो और अस्मा भी मैं ही हूँ। इतने बड़े बड़े सारी माँ के तो इतने बड़े बाल हो गए हैं, एक कौन इधर भी बन सकती है, एक इधर बन सकती है, एक इधर बन सकती है, कितनी बने? 1, 2, 3 सारे। आपको हिचकियां लगी हुई हैं? जैसे लगा हिचकियां लगी हुई हैं आपको? Thank you.
सारे रखने हैं ना। एक दफा नीट कर दूं ना ताकि थोड़े से ऊंचे नीचे ना हो जाए। अच्छा, बालों में ना जब हमने कटिंग सीखी थी ना तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात सीखी थी कि एक गाइडलाइन बना ली जाए और फिर उसको फॉलो करते हुए बाकी सारी कटिंग कर ली जाए, चाहे जेंट्स के काट रहे हो, बच्चों के काट रहे हो या गर्ल्स के काट रहे हो। गर्ल्स की तो खैर लेयर्स वगैरह और स्टेप कटिंग बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे होती है ना, बॉयज की तो ये सिंपल सिंपल सी होती है। देखो सारी की कितनी बड़ी बड़ी जुल्फे थी जो मैंने काट दी हैं। अच्छा, मैं अब ये वाला यूज करूँ कि ये सेफ्टी यूज करूँ? अच्छा, ये जो रेजर होता है ना ये बहुत ज्यादा शार्प होता है, कर सकती हूँ इससे तो फिर जरूर करूँ। हाँ, मुझे आता है यार। फिर ये सबसे बेहतर यही है रेजर। चले, मैं इससे करूँगी। मैंने पाउडर इसलिए लगाया है जरा ड्राई हो जाए, गीला गीला भी बहुत हो रहा था। जी तो व्यूवर्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर फीडबैक दिया करें, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बताया करें ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूं और अपनी वीडियोस को और बेहतर से बेहतर बना सकूं। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि मेरा चैनल ग्रो हो जाए और मेरे भी सब्सक्राइबर्स गेन हो जाएँ। तो चलिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मुझे इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हमीय नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।